हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सो गाइस, ये वाला गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम गेम प्ले, क्योंकि तुमने देखा ही होगा भाई, जो स्टार्टिंग मैंने क्लिप दिखाया था भाई, कौन सा जोन जा रहा था वो छठा या सातवां, छठा जोन होगा भाई। उसमें भी 19 से 20 बंदे अलाइव थे और वो पोचिंगी का जो कॉम्पैक्ट जगह है उसमें था जोन, और जो मैं भाई फुल मैक्स स्पीड में चला रहा था अपना गाड़ी, उसके बावजूद भाई बंदे 90 डिग्री पे मेरे पे फायर कनेक्ट कर रहे भाई। कितने जोरदार प्लेयर्स भरे पड़े इस वाले मैच में। तो गाइस, उसके बाद जैसे तैसे मैं कंपाउंड में पहुंच तो जाता हूं, लेकिन वहां पर ऐसा कोई एंगल नहीं था जहां से मुझे शॉट्स पड़ नहीं सकते थे भाई। सब जगह से मतलब बहुत सारे बंदों ने होल्ड कर रखा था भाई सब जगह पे। और गाइस, तुम ये वाला वीडियो ज़रा भी स्किप मत करना, मतलब वीडियो मिस करना ही मत, इतना ज़्यादा इंटेंस रहा है वाले इसमें, क्योंकि उस छोटे से जोन में भाई उतने ज़्यादा बंदे अलाइव होने के बावजूद भाई जो गेम प्ले निकाला ना मैंने, तुम मतलब बहुत ही भौचक कह रहे जाओगे भाई। तो खैर, फिलहाल अभी की बात करें तो मुझे जाना था भाई बहुत दूर, जहाँ पर मैं शांति से भाई पीसफुली अपनी लूट कर सकूँ 10-15 मिनट तक, और सर्वाइव भी कर सकूँ बिना किसी दिक्कत के, मतलब बिना किसी फाइट के। और मुझे गाड़ी मिला नहीं, तो मैं रास्ते में ये दो मतलब तीन कंपाउंड वाला ये एरिया मिल गया, तो इसको लूट लेते। और राइट साइड में एक पैराशूट दिख रहा था भाई हवा में, उसका चेक कर लेते, लेकिन वो बंदा कहीं स्पॉट हो नहीं रहा था और एक गाड़ी भी पड़ा था वहाँ पर, तो मुझे वहाँ जाना सेफ नहीं लगा, क्योंकि वो बंदा लूट करके हमारे लिए कैंप कर सकता है। तो मैं इधर निकल लेता हूँ, क्योंकि इधर कोई बंदा होना तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा यहाँ पर जा सके, क्योंकि मैं खुद ही बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा था। अब यहाँ से मैं जो आगे कंपाउंड दिख रहा था भाई छोटे छोटे, ये सारे कंपाउंड लूट के मैं मेरी जो लूट थी भाई पूरी हो जाती है, और उसके बाद मैं गाड़ी ढूंढ लेता हूँ। तो गाड़ी उठाने के बाद मैं एक कंपाउंड पर होल्ड करता हूँ और नेक्स्ट जोन बनने का वेट करता हूँ। तो अब गाइस, यहाँ पर मैंने एक जोन निकाल दिया भाई होल्ड करते हुए, और ये वाला जोन जो है सेकंड जोन है भाई, श्रिंक होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं निकल लेता हूँ अपने अगले जोन के लिए, और तब तक गाड़ी घुमाता हूँ जब तक तीसरा जोन नहीं बन जाता। और तीसरे जोन में मैं सीधे जाके जोन में होल्ड करता हूँ, और ये जो कंपाउंड है भाई जोन में है, तो यहाँ पर आके होल्ड करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी जो स्कॉट हाउस है आगे वहाँ पर होल्ड करा, और यहाँ पर आते ही भाई उसने ग्रेनेड करना शुरू कर दिया। ये जो जगह है भाई, ये छोटा पैनिक रूम जो भी बोले इसको, इसके अलावा जो इसके ऊपर वाला फ्लोर है, जो भी फ्लोर है ना एक दो ऊपर, यहाँ पर अच्छे से ग्रेनेड आ सकता है। तो मैंने यही जगह चूज़ करी कि यहाँ पर ग्रेनेड तो नहीं आ सकता कम से कम, और वो बंदा बिल्कुल क्लोज इन कर रहा था। देखो गाइस, इसके साथ जो फाइट होगी भाई इंटेंस फाइट है एकदम। अब इस बंदे ने भाई स्मोक करा, तो मैं समझा इसके पास कोई ESP वाला जादू है, क्योंकि स्मोक वही बंदे करते हैं अधिकतर। अब स्मोक के बीच में मैं मॉली कर देता हूँ उसको कंफ्यूज करने के लिए। और इस तरीके से ये बंदा मारा जाता है। तो गाइज़, ये बंदा कुछ अलग गड़बड़ नहीं लग रहा था कि ये बार बार स्मोक किया जा रहा था, ना कैजुअल फाइट ले रहा था, फालतू तो इधर उधर कूद रहा था। तो छोड़ो, उसको मार दिया हमने और हम निकल लेते अपने अगले जोन के लिए। तो गाइज़, अब मुझे जाना था पोचिंग की, और यहाँ से निकलते ही मैं जो पोचिंग का स्क्वाड है वहाँ से नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये जो फायर आता है भाई, मतलब भाई को मेरे पे फायर कनेक्ट करने के लिए 50 मीटर आगे मारना पड़ेगा तब मेरे पे फायर कनेक्ट होगा, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे मेरे को घर मिल जाता भाई होल्ड करने के लिए, और इतने मेरे सामने गाड़ी। अब इस पर मैंने फायर कनेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन बंदा भाई बच निकलता है, बहुत ही अच्छी किस्मत थी बंदे की। और अब इधर सामने से एक मोटरसाइकिल वाले भैया सेलमोन बॉय जा रहे हैं, जिसको भाई एक पीपी वाला बंदा मार देता है। अब मैं देख रहा था लगातार भाई किस किस तरफ बंदे मेरे को स्पॉट हो सकते हैं और उनको मैं किल कर सकता हूँ। अब इस तरफ से यूजी चल रही थी और किल फीड में किसी का नाम आया नहीं था, तो मैं श्योर ये हो गया कि भाई इधर बीपी फाइट जा रही है। इतने में भाई ये जो सामने घर है यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, और उस पर मैं प्री मोली कर देता हूँ, क्योंकि भाई मोली बहुत ही डेंजरस है, इसके आसपास भी भटकोगे ना भाई, इसका जो ताप लगेगा भाई इतना गर्म होता है ना, भस्म हो जाओगे तुम। कहने का मतलब ये कि भाई मोली का डैमेज बहुत ही बढ़ गया है भाई, पता नहीं कौन से अपडेट में बढ़ा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और इतने में एक बग्गी गुजरती है, जिसपे मैं फायर कनेक्ट करने की नाकाम कोशिश करता हूँ। और एक और बग्गी जिसपे अच्छे से फायर कनेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा बुलेट कनेक्ट नहीं हो पाते यार। मैंने गेट तोड़ दिया कि भाई वो बंदा यहाँ पर होगा, लेकिन वो बंदा वहां पर नहीं था।
मैं बस अपना होल्ड कर रहा था, कहीं कोई बंदा मुझे स्पॉट होता है तभी मैं मारूंगा, और इधर कोने में एक बार आके छुप जाता हूँ। लेकिन इतने में देखूंगा ग्रेनेड, भाई मतलब क्या ही ओपी बचाऊँ मैं, कोई जवाब नहीं है मेरा। अब इस ग्रेनेड से बचते ही भाई इस रूम में आ जाता हूँ और हील करने लगता हूँ। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं था, वो बंदा कैसे ना कैसे करके यहाँ पर भी ग्रेनेड डाल सकता था। अब मुझे लगा यहाँ पर भी ग्रेनेड आएगा, ऐसा सोच के भाई मैं यहाँ से भी निकल लेता हूँ और अपना लोकेशन चेंज करके पीछे जो वो ये खिड़कियाँ विड़कियाँ हैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेफ नहीं था, क्योंकि पीछे से भाई ये जो घर है यहाँ पर अच्छे से व्यू मिल सकता था किसी बंदे को, लेकिन था नहीं कोई बंदा। बहुत अच्छा हुआ ये मेरे लिए। अब इस तरफ फाइट होने लग जाती है और मैं गेट तोड़ देता हूँ, क्या पता मुझे एंगल मिल जाए उन बंदों में किसी एक को फायर देने में, और होता भी कुछ ऐसा ही है। आगे जाके गाइस देखना। एक बार को भाई थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा, लेकिन वो बंदा हील करते करते थोड़ा इधर मूव कर लिया, और वो वाला गेट तो मैंने पहले ही तोड़ दिया था, और वो बंदा मुझे बिल्कुल फ्री इजीली विजिबल हो जाता है और उसको मैं किल कर देता हूँ। अब उसके बाद जो सामने वाला घर है भाई डबल स्टोरी वाला, इसमें बंदा था उसका ध्यान रखना था मुझे, और इस तरफ जो ड्रॉप पड़ा था भाई एयर ड्रॉप, इधर से एक बंदा आने लग जाता है। मतलब भाई को मैंने अनस्टंट हेडशॉट दे दिया, भाई को गन भी चेंज नहीं करने दी मैंने, और ये बंदा किल हो जाता है। और इस बंदे को मारने के तुरंत बाद मैं अंदर रहता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ही रिस्की मामला है यहाँ पर, पता नहीं कौन कौन से एंगल लेके बैठे हुए बंदे। अब मैं अंदर बैठा ही था, भाई सामने से फुट स्टेप आते और वो बंदा इधर आने की कोशिश कर रहा था। अब इस बंदे को मैंने फायर देने की कोशिश की, मैं सोचा था भाई फर्स्ट जंप ही जाएगा भाई सीधा इस दीवार के पार, लेकिन सही से परफेक्ट जंप नहीं हो पाया और वो बंदा बच जाता है, जो कि आगे जाके बहुत ही। तो देखते गाइस कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पर वो बंदा नेड कर रहा है या फिर स्मोक कर रहा है, पहला तो उसने ग्रेनेड करा है, अब आगे जाके वो स्मोक करने वाला है। और 10 सेकंड बचे हैं भाई, अभी भी हम जोन में है नहीं, 28 मीटर दूर है जोन, और मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ, कहीं वो बंदा उधर भी ग्रेनेड कर सकता है बहुत ही ईजी। और जो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो बंदा अगर निकल लेता है पहले जोन में तो उसको मैं क्लियर करता हुआ चलो, लेकिन वो बंदा भाई होल्ड कर रहा था, बहुत ही अच्छा दिमाग लगा रहा था वो बंदा। अब मुझे निकलना था भाई जैसे तैसे करके जोन में। तो मैं निकले तो भाई ये वाली जो ब्रोकन वॉल है यहाँ पर अच्छे से जोन था भाई, तो यहाँ पर मैं प्रोन हो जाता हूँ और हील कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस ये वाला जो जोन है भाई फाइनल जोन है, और इसके बाद भाई बिल्कुल भी कोई जोन नहीं बनने वाला है। अब ये जो बंदा है भाई इसको मैं फायर देता हूँ, बंदे अभी भी लड़ा रहे भाई देखो गाइस, और ज़्यादा एंगल मिल नहीं रहा था, उसका बॉडी पार्ट कुछ दिख नहीं रहा था, तो ज़्यादा बुलेट कनेक्ट हुआ नहीं, और यहाँ पर मैं हील कर लेता हूँ गाइस एक बार। तो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा भाई फसल मचा हुआ ना था भाई, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करूँ मैं। और देखो गाइस बहुत ही घटिया हरकत किया हूँ मैं बिल्कुल ही। अब यहाँ पर मुझे लगा कि वो बंदा ग्रेनेड कर रहा है, ऐसा सोच के मैं भाई सीधा निकल लिया बिना किसी एडीएस के, और मैं बहुत ही इजी तरीके से मारा जाता हूँ। गाइस आपको ये बहुत ही इजी लग रहा होगा कि भाई यार क्या यार तू हार गया यार, मैं होता तो जीत जाता, लेकिन आपको ऐसा फील होता नहीं वीडियो देखते समय, लेकिन जब हम मैच में होते हैं असली, मतलब जब मैच खेल रहे होते ना तब असली पता पड़ता है कि भाई सिचुएशन क्या चल रही है। हम तो खैर कोई नहीं गाइस, होता है ऐसा, बड़े बड़े मैचों में ऐसी बातें होती रहती है। तो गाइस आपको अब अपना रिजल्ट दिखाते हैं, और मैंने 4 किल किए 31 मिनट सर्वाइव करके, और मुझे प्लस मिला है +5। भाई इतना ज़्यादा प्लस मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो गाइस यहाँ से आप अंदाज़ लगाओ कि भाई कितना ज़्यादा हार्ड है भाई यहाँ पर जो टॉप लीग है यहाँ पर प्लस करवाना, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि जो सोलो के लीडर बोर्ड में नंबर 1 पर भाई एक लेजिट प्लेयर रहे, लेकिन नहीं भाई प्लस बहुत ही कम होते हैं। अगर तुम लोग को ये वाला गेम प्ले पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब करो।
क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही वीआईपी गेम कॉन्करर टॉप लीग के गेम प्लेज लाता रहता हूँ। और तो मैं चलता हूँ भाई, अब नया वीडियो बनाना है मेरे को, और कल मिलते हैं, बाय बाय। Smoke you, I could roast you, and then you'd love it. You text me, I love you, and then I'd fucking ghost you.